वेलकम टू माय चैनल कुक विद शहीन। आज मैं आपसे एग फ्राइड राइस बनाने की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। उसके लिए मैंने राइस लिए 750 ग्राम है, उसको मैंने धो लिया, आधे घंटे के लिए भिगो दिया था। वेजिटेबल लिए बड़े साइज की, एक शिमला मिर्च ली है, ये देखिए बारीक काट लिया है, इसे मैं काट लिया। गाजर लिए बड़े साइज की, उसको मैंने कद्दूकश कर लिए, बंद गोभी ले लिए मीडियम साइज की, उसको लंबा लंबा काट लिया, बिल्कुल बारीक काटना है। बाकी अज्जा जो चाहिए, ब्लैक पेपर है पीसी हुई, क्रस्ट, नमक है, विनेगर, हॉट सॉस, दो अदद अंडे हैं, स्प्रिंग अनियन है, सोया सॉस, फूड कलर और चाइनीज साल्ट। चलिए अपनी रेसिपी को हम स्टार्ट करते हैं। एग फ्राइड राइस रेडी करने के लिए सबसे पहले हम पानी बॉयल करेंगे खुले मुगल देचकी में। पानी मैंने बॉयल कर लिया है, उसमें आम नमक 1 टेबलस्पून शामिल करेंगे। हाफ टेबल स्पून थोड़ा सा विनीगर डालेंगे और थोड़ा सा ऑयल शामिल करेंगे, इससे खिले खिले चावल बनेंगे अलहदा अलहदा। अब हम इसमें अपने चावल शामिल करेंगे। मिक्स करेंगे और चावल को ज़्यादा बॉयल नहीं करेंगे, जैसे बॉयल हो जाते हैं मैं आपको दिखाती हूँ। एग फ्राइड राइस के लिए सबसे पहले हम पैन में या तवे के ऊपर 2 अदद अंडे मैंने लिए थे, ऑयल डाल दिए, 2 अदद अंडे लिए थे, उसको अच्छी तरह से मिक्स करके उसके अंदर मैंने एक चुटकी फूड कलर शामिल किया है, ये देखिए। इसको छोटे छोटे पीस करेंगे, इसके छोटे पीसेस में कर लेना है बिल्कुल। इसको हम चावलों में शामिल करेंगे, ये देखें बिल्कुल छोटे छोटे पीस। सबसे पहले मैंने देखी में ऑयल शामिल किया, ये देखें तकरीबन 1/2 कप है। अब हम इसमें अपनी सब्जियां शामिल करेंगे, वेजिटेबल, पहले शिमला मिर्च डालेंगे, गाजर कभी बचती है, बंद गोभी, इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरह से तेज आंच पे। इसको ज़्यादा हम कुक नहीं करेंगे वरना इनका कलर चेंज हो जाएगा। इसमें हम सोया सॉस शामिल करेंगे 5 टेबल स्पून, हॉट सॉस शामिल करेंगे 2 टेबल स्पून, चाइनीज सॉल्ट शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून और आम नमक शामिल करेंगे 1/2 टीस्पून और आखिर में हम ब्लैक पेपर शामिल करेंगे 1 टीस्पून और इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इसको ज़्यादा हम बिल्कुल कुक नहीं करेंगे। अब हम इसमें अपने चावल शामिल करेंगे, चावल शामिल कर दिए। आखिर में हम स्प्रिंग अनियन शामिल करेंगे, अपने अंडे शामिल करेंगे, इसमें मैंने थोड़ा सा फूड कलर ऐड किया था, ये देखिए चंद कतरे फूड कलर शामिल करेंगे। इसको मैंने थोड़ा सा पानी में मिक्स कर लिया था, ये देखिए इससे बहुत अच्छा कलर आएगा। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, ये देखें तमाम वेजिटेबल के साथ, ये देखिए कितना अच्छा कलर आ रहा है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा आप। स्पेशल मेरे आज बच्चे आए हुए हैं इंग्लैंड से, सिस्टर के बच्चे, उन्होंने उनकी फरमाइश से मैं बना रही हूँ। अरहम और मरियम है, उनको बहुत ही पसंद है चाइनीज़ राइस, एग फ्राइड राइस बहुत लाइक करते हैं। अब हम इसको दम लगा देंगे 10 मिनट के लिए। मुकम्मल हो चुकी है एग फ्राइड राइस की, ये स्पेशल मैंने इन बच्चों के लिए बनाए थे, ये खा के आपको बता रहे हैं कि यम्मी बने। स्पेशली ये मेरे सिस्टर के बच्चे इंग्लैंड से आए हुए गेस्ट हैं,
तो अगर आपको आज की मेरी रेसिपी पसंद है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू।